राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 83 प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, जिनमें से नागौर के 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। उन 6 में से आज हम बात करने वाले हैं मकराना विधानसभा क्षेत्र की। मकराना में इस बार वर्तमान MLA रूपाराम मुरावतिया की टिकट काटकर पूर्व विधायक श्रीराम बिंचर की पुत्रवधू सुमिता बाकर को मैदान में उतारा गया है। सुमिता बाकर वर्तमान में मकराना पंचायत समिति की प्रधान है, साथ ही श्रीराम बिंचर का ठप्पा उनके साथ है क्योंकि उनकी वो पुत्रवधू है। लेकिन मकराना की टिकटों को लेकर 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में जो अदला बदली का खेल देखा गया वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि 2018 से पहले श्रीराम बिंचर वहाँ के विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर अचानक से ही रूपाराम मुरावतिया को वहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया था। हालांकि श्रीराम बिंचर वसुंधरा खेमे से आते हैं, लेकिन उनकी टिकट पिछले चुनाव में काटकर श्रीराम बिंचर की जगह रूपाराम मुरावतिया को दी और रूपाराम मुरावतिया ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार माधोराम और प्रकाश भाकर ये 2 नाम और थे जो टिकट की लाइन में थे और लोगों ने ऐसा मान रखा था कि मजबूत दावेदार हैं, और प्रकाश भाकर की तो लगभग ऐसा माना जा रहा था कि रूपाराम मुरावतिया और श्रीराम बिंचर की लड़ाई को मिटाने के लिए प्रकाश भाकर को यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है, और कई न्यूज़ चैनल पर तो उनका नाम भी चल चुका था। लेकिन एन वक्त पर टिकट कटने से नाराज होकर प्रकाश भाकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का दबाव है कि वो हर हाल में चुनाव लड़े और हो सकता है कि वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार भी बनकर आ सकते हैं। पिछले 5 सालों से जो लोग मोदी जी की रैलियों में गाड़ियां लेके जा रहे थे, जो लोग परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में, बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, खुद के जेब से खर्चे से रात दिन मेहनत करके बूथ लेवल तक जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की टीमें खड़ी किए, उन सभी कार्यकर्ताओं के दिल को आहत किया इस घोषणा ने पार्टी ने। और जितने भी पूरे जिले के अंदर जो मकराना के अंदर जो निर्णय लिया गया है, जो कुचाण में निर्णय लिया गया है, जो नागौर में निर्णय लिया गया है, ये पार्टी को महंगा पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। आज उनके कार्यकर्ताओं ने मकराना में स्थित उनके कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया, जहां पर युवाओं की संख्या काफ़ी देखने को मिली, और उन सब ने एक ही स्वर में ये कहा है कि प्रकाश भाकर को चुनाव लड़ना चाहिए। अब आने वाले 2-3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि प्रकाश भाकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी अन्य पार्टी से लड़ेंगे, या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे। क्योंकि प्रकाश भाकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला रोचक होने वाला है, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन जानकार सूत्रों का ये मानना है कि मकराना के पूर्व में विधायक रहे कांग्रेस की ओर से जाकिर हुसैन गेसावत या उनकी बेटी समरीन भाटी को मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार सकती है, और इस सूरत में वहाँ पर मुकाबला रोचक होने की संभावना है। अगर सीधे तौर पर बात की जाए जाकिर हुसैन गेसावत और श्रीराम बिंचर की, तो श्रीराम बिंचर भी मजबूत दावेदार हैं जीत के, क्योंकि टक्कर देने में लोग ऐसा मान रहे थे, सर्वे रिपोर्ट में यही था कि जाकिर हुसैन गेसावत को टक्कर देने के लिए श्रीराम बिंचर सक्षम है। लेकिन अब मुकाबला अगर त्रिकोण हुआ तो उस सूरत में सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा, और हो सकता है त्रिकोण मुकाबले में कोई भी जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटों की संख्या ज़्यादा है, और इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी यहाँ से अल्पसंख्यक कार्ड खेलती है। नागौर जिले की 2 सीटों में अल्पसंख्यकों को टिकट दी जाती है। लगातार टिकट जाकिर हुसैन को दी जा रही है। जाकिर हुसैन केवल 2008 के चुनाव में जीत कर आए थे, उसके बाद 2013 और 2018 के चुनाव में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन चौथी बार पार्टी उन पर भरोसा करके टिकट देने जा रही है। इस बात का भी मकराना का जो माहौल है उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि जाकिर हुसैन गेसावत का काफ़ी हद तक विरोध देखने को मिला है, लेकिन चुनाव में हो सकता है कि वो सबको मेंटेन कर ले, सबको मैनेज कर ले, लेकिन फिलहाल जो माहौल है, अगर जाकिर हुसैन को टिकट मिलती है तो उनका भी विरोध देखने को मिलेगा, और हो सकता है वहाँ उनकी पार्टी से कोई अल्पसंख्यक चेहरा भी निर्दलीय ताल ठोक सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकराना का मुकाबला रोचक होगा, कांग्रेस का भी विरोध वहाँ पर देखने को मिल सकता है, और भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो चुका है प्रकाश भाकर के रूप में। लेकिन रूपाराम मुरावतिया का रोल क्या रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि रूपाराम मुरावतिया ने चुनाव लड़ा है, निर्विवाद भी रहे हैं, हालांकि वो अपनी कवि शैली में विधानसभा में कई बार हंसाते हुए देखे गए थे, वो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि सन्यासी टाइप के आदमी हैं, उन्हें किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं है।